नमस्कार जोहार जय हिंद। अभी आप लोग देख रहे हैं नंबर वन न्यूज, तो नंबर वन न्यूज में आप लोग का बहुत ही स्वागत है। चलिए खबरों की ओर। क्या होगा खेसारी लाल का, कैसे जिएगा खेसारी लाल, क्या करेगा खेसारी लाल, चलिए देखते हैं खबरों की ओर। तो बने रहे नंबर वन न्यूज के साथ। यादव जी की बेटी सपनों में आती है, कल्लू जी ने स्टेज पे गाया। ठीक है, वो हैं। देखिए, भोजपुरी इंडस्ट्री में मेरे मुझे छोड़ के कोई कुछ भी गंदा, कितना भी गंदा कर दे, कोई बोलने नहीं आता है। ये आप सबको भी पता है कि मैं अगर अच्छा भी करता हूँ तो उसको बुरा बनाने के लिए पूरी भोजपुरी। एक बात सिर्फ कहना चाहता हूँ, मैं थोड़ी देर के लिए लाइव आया हूँ। परेशानी ठीक है मेरी है, कुछ कला क्षेत्र में परेशानी है, मुझे बहुत सारी चीजों का सामना करना पड़ता है। वन मिनट। लेकिन समस्या ये है कि कुछ दिन पहले मेरे अपनों ने किसी को लाइव में थप्पड़ मार दिया था। उसके लिए पूरे राजपूत समाज को ये लगा था कि पूरे राजपूत समाज को थप्पड़ मारा गया है। कुछ राजपूत समाज, पूरे नहीं, कुछ थे, कुछ उसमें से कलाकार बंधु भी थे कि उनके सपोर्ट के लिए बाय रोड मुंबई से चल के और जाके कि हाँ राजपूत समाज को मारा गया है, हम बर्दाश्त नहीं करेंगे। फिर से वही काम मेरे साथ हुआ है, फिर से मेरी बेटी को टारगेट किया गया है, फिर से उसके नाम को, उसके फोटो को लगाकर गाना गाया गया है। मैं उस राजपूत समाज से यही पूछना चाहता हूं कि आप लोग गलत को हमेशा ऐसा ही सपोर्ट करोगे हमारे लिए। सब लोग देखिए, कुछ लोग कहते हैं कि जाति बात करता हूं मैं, जब मेरी फैमिली के मैटर पे कुछ चीजें आती है तो क्यों चुप हो जाता है सारे के सारे लोग, क्यों चुप हो जाते हैं? वो हाँ, आपका समाज नहीं समझ में आता है, हैं? अब मुझे क्या करना चाहिए? फिर से मेरी बेटी को टारगेट किया गया है, फिर से मेरी बेटी का नाम और फोटो लगाकर गाना गाया गया है। तो मैं उस राजपूत समाज से पूछना चाहता हूं, जो लोग हथियार लेकर खेसारी को ढूंढ रहे थे, कहां हैं आप लोग अब, हैं? क्यों किसी को मजबूर, क्यों किसी पिता को मजबूर कर रहे हो आप लोग गलत करने पे यार? हमारा फैमिली ने क्या बिगाड़ा है किसी का? हम गाना गा रहे हैं, हम कर रहे हैं, हम चीजें कर रहे हैं, मेहनत कर रहे हैं, मैं ठीक है, चारों तरफ से घेरा जा रहा हूं मैं आज की डेट में। और हाँ, आप ही के समाज ने मुझे घेरा है अभी, उनका नाम भी वही है जो आपका टाइटल है, जिन्होंने मुझे घेरा है, जिन्होंने एग्रीमेंट में मुझे दबोच रखा है कि हाँ खेसारी को बर्बाद कर देंगे। ठीक है, अभी उन्हीं ने लिया है यहाँ बर्बाद करना इनको। क्यों यार, मैंने गुनाह यही किया है ना कि हाँ मैं दूध बेचने वाला का बेटा हूं, मैं लिट्टी चोखा बेच के यहाँ पर आ गया, तो मैं मेहनत किया, लोगों का प्यार मिला मुझे, ऐसे नहीं स्टारडम मुझे मिल गई। आप लोग मुझे प्लीज, मैं चाहता हूं कि मुझे इतना फ्रस्ट्रेट मत करो कि एक पिता, एक मैं कलाकार होके नहीं बात कर रहा हूं अभी, एक मैं पिता होके बात कर रहा हूं। और हर आदमी के घर में एक बेटी होगी यार, हर आदमी के घर में एक बहन होगी, हर आदमी के घर में एक माँ होगी, जो समाज उसको हेल्प करता है और जो समाज उसको बढ़ावा दे रहा है। आज वो समाज कहां गया? फिर से वही टारगेट हुआ मेरा फैमिली, ताकि मैं डिस्टर्ब हो जाऊं। मैं एक कलाकार होने के नाते, मैं एक एक्टर होने के नाते, मैं एक पिता भी हूं, वो मेरी गलती है। ये तो दुनिया का दैत्य है कि हाँ आप अगर इस समाज में आए हो, आप इस धरती पे आए हो, तो आप किसी के बाप बनोगे, किसी के हाँ कोई नहीं बनता है, उसका गारंटी मैं थोड़ी लिया हूं। उसका अपना जीने का तरीका है। मैं पिता बना, मैंने बच्चे पैदा की, मैंने बेटी भी पैदा की, मैंने बेटा भी पैदा किया, तो उसमें मेरा गुनाह थोड़ी है यार। और मेरी फैमिली ने क्या बिगाड़ा है किसी का? फिर से मेरी फैमिली टारगेट हो रही है क्यों? एक तो ऑलरेडी मैं इतना परेशान हूं अपने गानों को लेकर कि 200 गाने मेरे कम से कम डिलीट हो गए। इतना मेहनत किया और मेरे मेहनत को एक मिनट में सब ने खत्म कर दिया, सब मिलके एकदम लगे कि खेसारी को खत्म। मैं खत्म नहीं हूंगा,
लेकिन मेरी फैमिली को मैं आप सबसे रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, उस समाज से रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि क्या आपके घर में वो बहन नहीं है, आपके घर में बेटी, आप लोग बेटी पैदा नहीं करते? कुछ जिनको वो प्रॉब्लम हुआ था उस समय कि राजपूत समाज को किसी ने लाइव में थप्पड़ मार दिया, हम बर्दाश्त नहीं करेंगे। क्यों यार, मत करो मुझे यार ऐसे, मत करो, एक पिता को मत उसकाओ। कलाकारी से जितना आपको मेरे को पीछे करना है कोशिश करो करने के लिए, लेकिन आप साइड साइड से जो टारगेट आप लोग कर रहे हो ये ठीक नहीं लग रही है मुझे, और ये समाज के लिए ठीक नहीं है। किसी की बेटी पे गाना गा देना, किसी की उसका फोटो लगा देना, उसका नाम रख के उसका फोटो लगा देना, ये कहां तक सही है यार? मेरे अपने अगर लाइव में मार दिए उसकी गलतियों पे, तो उसके लिए पूरे समाज को थप्पड़ मारा गया था ना, पूरे समाज को थप्पड़ मारा गया था। और आपके समाज का वो बेटा क्या कर रहा है, किसी की बेटी के नाम लेकर और उसका फोटो लगाकर गाना गा रहा है, तो आपका समाज बहुत ऊपर जा रहा है भाई। अच्छा हो रहा है? एक पिता को मत उसकाओ आप लोग, कुछ लोग मत उसकाओ। हाँ मैं पिता हूं, मेरे अंदर क्षमता है, अगर मैं उन बच्चों का भविष्य के लिए बहुत कुछ कर रहा हूं, कोशिश कर रहा हूं, अपने भोजपुरी भाषा के लिए कोशिश कर रहा हूं, तो जब पिता की बात आएगी ना तो शायद मैं चुप नहीं रहूंगा। प्लीज रिक्वेस्ट कर रहा हूं, अब आपका समाज कहां गया? अब उसको क्या सजा देगा आपका समाज? फिर से वही टारगेट हुआ है मेरा फैमिली, नहीं मिलता है कुछ मुझे, हराने की क्षमता नहीं है, औकात नहीं है, दम नहीं है बम में, तो मेरी फैमिली मिली है आपको और आप लोगों को मेरी फैमिली मिली है। मत करो मुझे गलत करने पे मजबूर, मत करो आप लोग। कुछ लोगों की बात कह रहा हूं, सुधर जाओ। अब वो यूट्यूबर कहां गए जो किसी के नाम पे कोई गाना गा देता है तो उसके लिए एकदम लेके झंडा निकल जाते हैं? हाँ आप नहीं निकलेंगे, क्योंकि वो आपका समाज का बेटा है और आपके समाज का बेटा ने गाया है, नहीं निकलेंगे आप। और आप अपने आप को क्षत्रिय बोलते हो, तो क्षत्रियों का काम ये नहीं होता यार। एक किसी को मार दिया गया था लाइव में उसके गलतियों पे, तो उसके लिए पूरा समाज, कुछ लोग लगता था जो हथियार लेकर ढूंढ रहे हैं, सब कुछ खत्म कर देंगे खेसारी को। अब क्यों नहीं उठ रहे हो आप लोग? आपके बेटी बहन पे कोई अगर टारगेट करके गाना गाए तो आपको समझ में आएगा? आता है ना, तो जो गाता है उस पे गाइए, जो करता है उसके लिए करिए। सुधर जाइए आप लोग, कुछ लोग। मैं जानता हूं ये कहां से बढ़ावा मिल रही है, इतना बुरबक थोड़ी हूं, यहां से यहां तक पहुंचा हूं तो ऐसे थोड़ी पहुंचा हूं, सबको देख के पहुंचा हूं। तो प्लीज फैमिली को टारगेट मत करो, अगर बम में दम है ना तो मुझे, मेरे को हराओ। आप खुद तो कर नहीं सकते, किसी से करवाते हो, क्यों करवाते हो भाई? अब वो समाज कहां गया जो हथियार लेकर खड़ा था? आपके भी घर में बेटी बहन है, आपकी भी मां है। प्लीज एक पिता होने के नाते बोल रहा हूं कि मैंने गुनाह नहीं किया है अगर बेटी पैदा की है तो, क्योंकि मैं भी किसी बेटी का बेटा हूं, मैं भी किसी बेटी का बहन भाई हूं। मत करो यार, बहुत हो गया। आप लोग मुझे परेशान कर रहे हो, मेरे सिंगिंग को परेशान कर रहे हो, मेरे गाने को परेशान कर रहे हो, और वही समाज के लोग हैं ना वो जो मुझे परेशान कर रहे हैं। क्या मानूं मैं, क्या मानूं? प्लीज मैं लंदन में हूं, मैं अपना काम कर रहा हूं और मैं काम ही करता हूं, राजनीति नहीं करता। ये समाज उस बार सिर्फ खड़ा हो गया था कि इस समाज के बेटे को मारा गया है तो उसके गलतियों पे मारा गया था। अब वो समाज क्या कर रहा है? आज उसी ने, फिर वही समाज ने फिर मेरी बेटी को टारगेट किया गया, फिर उसके फोटो लगाकर उसके नाम रख के गाना गाया गया। अब मैं क्या करूं बताइए आप, मुझे क्या करना चाहिए और वो समाज उसके साथ क्या करेगा? है? कर सकते हैं आप, है दम में, आप में दम है तो करिए, आप समाज के सुधारक है ना, करिए, करके दिखाइए कि हाँ आप उसके साथ क्या करेंगे। मैं कुछ नहीं करूंगा,
ठीक है, मैं भगवान पे भरोसा करता हूँ कि भगवान मेरे साथ ठीक है। मेरे गुनाह है शायद कि मैंने बेटी पैदा की, मुझे नहीं करना चाहिए था, क्योंकि मुझे पता ही नहीं था कि मैं ऐसे समाज के लोग भी हैं जो हमारी बेटी के सम्मान को और हमारे सम्मान को उधेड़ देंगे, क्योंकि ये समाज शायद उसी के लिए बना है कि हाँ किसी के बेटी को अगर कोई गाली दे दे तो एकदम साइलेंट रहना है, और अगर उसको मार दिया जाए तो ये समाज आ जाएगा एकदम, बहुत सारे समाज आ जाएंगे, बहुत सारे समुदाय आ जाएगी, हाँ बहुत सारे नेता नगरी के लोग आ जाएंगे। अब नहीं है वो समाज, क्या हो गया? अब आप लोग नहीं बोलेंगे कि गलत हुआ है? वो यूट्यूबर कहाँ गए कि किसी के नाम पे कोई गाना गाता है तो तुरंत ही आ जाते हैं गा हा हा। आप समाज को सुधारते हैं? हमारी बेटी समाज के हिस्सा नहीं है, हैं? है कि नहीं? मैं उसी समाज से पूछना चाहता हूं, वो है कि नहीं हमारी बेटी इस समाज की हिस्सा, इस देश की धरोहर है कि नहीं? वो मत करो यार। चलिए थैंक यू सो मच। मैं उस बस एक सवाल था ये मेरे मन में चल रहा था, इसीलिए मैं लाइव आया। बस इससे ज्यादा कुछ नहीं कहूंगा, बाकी जनता है, जनता सब जानती है जे कौन क्या है, कौन कितना कैसा है, क्यों है, उसके व्यक्तिगत क्या है, मेरे विचारधारा क्या है, मेरे जीने का तरीका क्या है, ये किसी से परे नहीं है। ये समाज का झूठा नाटक छोड़ दीजिए आप लोग, हमारे पास भी समाज है, ऐसा नहीं है कि नहीं है। मैं उन कुछ लोगों से बोलना चाहता हूं जिनको मिर्ची लगी थी उस समय, मैं उन्हीं से बोलना चाहता हूं, नहीं तो हमारे पास भी बहुत बड़े बड़े समाज हैं, ऐसा नहीं है। मैं किसी जाति की बात नहीं करता हूं, लेकिन इसी जाति के लोगों ने उस दिन जब मारा गया था उसको तो एकदम तांडव मचा दिया था हर यूट्यूब से लेकर लाइव तक। अब उस समाज के लोग कहां हैं जब फिर से वही हरकतें हुई है मेरे परिवार और फैमिली के साथ? तो कहां गया वो समाज? खत्म हो गया? सिर्फ खेसारी को टारगेट करना आता है? खेसारी जी सब बन के दिखाओ यार, और खेसारी के आप लोगों ने ही बनाया है, ये समाज ने ही बनाया है, हर समाज ने मुझे बनाया है, हर जाति ने मुझे बनाया है। मैं किसी जाति की बात नहीं करता हूं, लेकिन ये उस दिन टारगेट में हुआ था, इसलिए मैं ये बातें बोल रहा हूं कि किसी के गलतियों पर किसी को मारना क्या गुनाह है? आपके बेटी के साथ अगर कोई ऐसा हरकत करे तो क्या आप उसको आरती उतारोगे? मत करो प्लीज। अब मैं उसी से पूछना चाहता हूं, आप लोगों का जवाब का वेट करूंगा मैं, ठीक है? चलिए, ये जनता सब जानती है कि क्या करना है। चलिए, अगर किसी को बुरा लगा हो तो उसके लिए सॉरी, क्षमा प्रार्थी हूं, बट एक कलाकार और एक आर्टिस्ट के होने के नाते मैं एक पिता भी हूं, और मेरी औलाद भी है, और मेरा घर परिवार भी है, उसका ध्यान हमें ऐसा रखना चाहिए सबको, बस प्लीज थैंक यू।